हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है आपकी, ठीक है, असेसमेंट वर्कशीट है ये आपकी, और ये वर्कशीट आपके लिए 2nd September 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो ये आपका 20 मार्क्स का बच्चों क्या है, टेस्ट है, जिसमें आपको जो है शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और MCQs टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आपको यहाँ पर, चैप्टर 2nd एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उससे रिलेटेड ये असेसमेंट वर्कशीट है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बाई पुटिंग अ टिक मार्क अगेंस्ट देम। सो आपको यहाँ पर पैसेज रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन जो है उसमें आपको मार्क करना है। सो वैन कॉपर वेसल इज़ एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब कॉपर वेसल जो है उसको जो मॉइस्ट एयर है उसमें रखा गया लॉन्ग टाइम के लिए, व्हाट हैपन, इट अक्वायर ग्रीन कोटिंग, इसके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो गई, ग्रीन लेयर की जो है कवरिंग आ जाती है। कॉपर कोरोड बाई ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके और वो क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ कोरोजन कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड गैसियस प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट विच इज़ ग्रीन इन कलर। तो जो मॉइस्चर हैं, गैसेज हैं एयर के अंदर, उनसे रिएक्शन करके क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, जो कि कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। नाउ दिस गिव अ ग्रीन कलर टू द सर्फेस ऑफ कॉपर मेटल, इससे जो कॉपर मेटल की सर्फेस है वो ग्रीन हो जाती है। द मिक्सचर फॉर्म्ड इज़ बेसिक इन नेचर, और जो कॉपर कार्बोनेट जो बना है ये बेसिक नेचर का होता है, विच रिएक्ट विद द एसिड, और ये क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके, एसिड कौन सा, सिट्रिक एसिड, क्लियर, प्रेजेंट इन लेमन टू फॉर्म कॉपर सिट्रेट विच इज़ वॉश्ड अवे विद वाटर। एक्चुअली क्या होता है कि जो कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं बच्चों, तांबे के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर जो ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है, उसको जब हम लेमन से साफ करते हैं तो जो कॉपर कार्बोनेट बना है वो लेमन के अंदर जो सिट्रिक एसिड होता है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और कॉपर सिट्रेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉपर सिट्रेट, ठीक है, एंड विच गेट वॉश्ड अवे विद वाटर, और जो वाटर के साथ वॉश अवे हो जाता है। एज अ रिजल्ट द ग्रीन कलर सब्सटेंस फॉर्म्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वेसल एंड द शाइनिंग सर्फेस इज सीन। इस तरह जो कॉपर के ऊपर जो लेयर थी वो निकल जाती है और शाइनिंग सर्फेस जो है वो हमें मिलता है। नाउ अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कॉपर केमिकल फार्मूला ऑफ कॉपर कार्बोनेट, तो यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, तो आपको कॉपर कार्बोनेट का फार्मूला बताना है। सो कॉपर कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, CuCO3, ये फार्मूला किसका होता है बच्चों, कॉपर कार्बोनेट का। और हमने पढ़ा था ना कॉपर हाइड्रोक्साइड की लेयर भी बन जाती है, तो CuOH2 ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है। सो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, CuCO3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड है, कॉपर वेसल इज़ टार्निश्ड ड्यू टू, कॉपर वेसल जो है वो टार्निश हो जाता है ड्यू टू द रिडक्शन ऑक्सीडेशन, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर की प्रेजेंस में, सो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज़ कॉल्ड, एसिड एंड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन या कोरोजन। सो बच्चों एसिड और बेस की जो आपस की रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी सिंपल, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर सिट्रेट इज एन, कॉपर सिट्रेट क्या है, तो कॉपर सिट्रेट जो है, जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर बनी है वो तो बेसिक इन नेचर है, और जो सिट्रिक एसिड है वो एसिडिक इन नेचर है, तो दोनों जो है मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और वो सॉल्ट क्या है, कॉपर सिट्रेट। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉपर सिट्रेट एक सॉल्ट है, एसिड बेस या बोथ नहीं है, ये एक सॉल्ट है, तो सी जो है दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड को किस में कर रहा है, ब्लू में, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, तो किसको हम डालें कि जो चेंज है वो रिवर्स हो जाए। इसका मतलब क्या है कि रेड को ब्लू जो कर रहा है सॉल्यूशन वो कैसा है, रेड को ब्लू कौन करते हैं, जो बेसिक नेचर के होते हैं वो रेड को ब्लू करते हैं, क्लियर।
तो इसमें हमें एसिड की अगर हम ज़्यादा डालेंगे, एसिड की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो चेंज है वो रिवर्स हो जाएगा। सो बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर तो एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। लाइम, लाइम भी नहीं होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है, लाइम भी बेसिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो चेंज हमारा रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो 6 to 10 जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप हैं, ठीक है, हमें ब्रीफ में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन लिटमस पेपर। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो लिटमस पेपर है उसका जो है क्या एक्शन होगा इन सब्सटेंसेस पे, लिटमस पेपर का, क्लियर। तो आपको इसमें जो है लिखना है कि जो ड्राई NaOH है, विनेगर है, लेमन जूस है, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, कर्ड सॉफ्ट सॉल्यूशन, इनके ऊपर क्या इफेक्ट जो है होने वाला है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ पर हम देखेंगे ड्राई NaOH है, तो ड्राई NaOH है तो बच्चों कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ड्राई पे जो है H पॉजिटिव आयंस वो फर्निश नहीं होंगे, सो देयर विल बी नो इफेक्ट। विनेगर, जो कि विनेगर कैसा होता है, एसिडिक नेचर, सो लिटमस पेपर जो ब्लू है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेमन जूस ऑल्सो एसिडिक, सो ब्लू टू रेड हो जाएगा। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, ये भी एसिडिक है तो ब्लू टू रेड हो जाएगा। कर्ड, कर्ड में भी क्या होता है, एसिड होता है, सो एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। एंड सॉफ्ट सॉल्यूशन, सॉफ्ट सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक इन नेचर, सो जो लिटमस पेपर है द रेड कलर दैट गेट चेंज टू ब्लू। ओके, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विच एसिड इज़ यूज टू बी इंजेक्टेड इनटू द बॉडी बाय द स्टिंग ऑफ हनी बी। तो हनी बी की जो है, जो बॉडी है वो हमारी हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट करती है, हनी बी का जो स्टिंग है, ठीक है। विच केमिकल इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट एंड वाई। तो कौन सा एसिड सिक्रीट करती है, फॉर्मिक एसिड, जिसको हम मिथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, मिथेनॉइक एसिड भी आप लिख सकते हो, क्लियर, फॉर्मिक एसिड और मिथेनॉइक एसिड। एंड बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कैसे नेचर का होगा, दैट विल बी द बेसिक इन नेचर, सो बेसिक बेकिंग सोडा विल बी यूज टू न्यूट्रलाइज इट एज इट इज़ बेसिक इन नेचर। ये आपका आंसर नंबर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर इंडिकेटर्स, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या हैं, 3 एग्जाम्पल्स आपको उसके लिखने हैं। सो सब्सटेंस विच टेल अस दैट अ गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस इज कॉल्ड एन इंडिकेटर। जो हमें ये बताएंगे कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, वो क्या होंगे, इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर के नाम आपको लिखने हैं, लिटमस, टर्मेरिक, रेड कैबेज, लीव्स, तो ये जो है नेचुरल के नाम हो जाएंगे। एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हम लिखेंगे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, क्लियर है। और आपको 3 देने हैं तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी जो है एक मैन मेड ही होगा, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर ये आप लिख देंगे, क्लियर, इंडिकेटर, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ डाइल्यूशन, इज इट एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल ड्यूइंग डाइल्यूशन। सो आपको यहाँ पर बताना है कि डाइल्यूशन क्या है। सो डाइल्यूशन हमने पढ़ा है क्या है, ऑन एडिंग एन एसिड और बेस टू वाटर, वाटर में हम एसिड बेस का जब डालते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ H3O+ और OH- पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक है, हीट निकलती है। और प्रिकॉशंस क्या होंगे, एसिड शुड बी मिक्सड इन वाटर एंड नॉट वाटर एंड एसिड, एसिड जो है उसको वाटर में मिक्स करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में। सेकेंड, कीप स्टरिंग स्लोली वाइल मिक्सिंग, तो स्टर करते रहना चाहिए, हिलाते रहना चाहिए। एसिड और एसिड और बेसिस टू बी एडिड लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर एंटासिड्स, डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स। एंटासिड्स क्या है, एग्जांपल से आपको डिस्क्राइब करना है। हाउ डज दीज हेल्प इन द इंडाइजेशन, इंडाइजेशन में ये कैसे हेल्प करते हैं। नाउ एंटासिड्स आर मेडिसन्स दैट न्यूट्रलाइज द एसिड इन योर स्टमक। तो जो एंटासिड्स हैं वो क्या हैं, वो मेडिसन्स हैं जो कि आपके स्टमक में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं एंड इंडाइजेशन से रिलीफ दिलाती हैं। नाउ एग्जाम्पल आप लिखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या फॉर्मूला होता है, MgOH2, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्टमक के अंदर एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है उससे जो है ये क्या करता है,
उसको न्यूट्रलाइज करते करता है और जो इनडाइजेशन है उसको रिमूव करता है। क्लियर, तो ये थी आपकी आज की जो साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।